बात करते हैं बिहार की। प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बिहार के राजनीति में भूचाल सा गया है और इसके साथ ही नेताओं का बयान भी सामने आ लगा है। सत्ताधारी दल के नेता हो या फिर विपक्षी दल, हर कोई प्रशांत किशोर को लेकर बयान दे रहा है और चुटकी भी ले जा रही है। मोतिहारी में कार्यक्रम में शामिल होने आए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रशांत किशोर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय जायसवाल ने कहा कि चुनाव के वक्त एकाएक उनकी ख्वाहिश जग जाती है और राजनीति आने पर फिर चुनाव समाप्त हो ख्वाहिश समाप्त हो जाती है। हालांकि चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है, लेकिन प्रशांत किशोर पहले भी आए थे और फिर चले गए और फिर आए हैं और चले जाएंगे। वही बता दें, पत्रकारों के द्वारा जाते जनगणना पर पूछे गए सवाल पर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर कुछ साफ कर दिया है कि वो इनके पक्ष में नहीं है। बाकी आगे नीतीश कुमार को समझना है कि उन्हें क्या करना है। दल जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोगों को राजनीति करने का शौक होता है, फिर चुनाव समाप्त हो जाता है तो शौक भी समाप्त हो जाता है। ये शौक माना जाएगा कोई हर व्यक्ति, ये तो जनतंत्र है, जो चाहे वो आ सकता है। पहले भी वो आए थे एक बार, कोशिश सफल प्रयास किए थे, फिर प्रयास कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर बहुत सारा ये फिर से दिमाग उठने लगा है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना ना सर। भारत सरकार का जो है वो बहुत क्लियर है कि भारत सरकार ये सब कार्य नहीं करती है।